हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत लंबे टाइम बाद हेलो हाय हो रहा है आम के साथ, मतलब मीठे के साथ। वेलकम बैक। और बहुत कुछ हुआ इस बीच, तो हम ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाए यूट्यूब में, मतलब बहुत लंबी चीज़ें हैं। कई बार क्या, एक्चुअली हम जिस घर जिसका वीडियो दिखा रहे हैं, इस घर में बिजली गिर गई और उसके बाद हमारा फ्रीज शॉर्ट हो गया, इन्वर्टर इन शॉर्ट, मतलब हमको 20-30 हज़ार 40 हज़ार का नुकसान हो गया। तो फिर उसके बाद हमारा मन थोड़ा सा जीग हो गया। और फिर ये फर्स्ट टाइम नहीं था जब बिजली गिरी है, पिछले साल भी गिरी थी, पर इसी गार्डन में नीम का पेड़ है उसमें गिरी थी, तो हम लोगों ने उसको टेक इट इजी लिया था। इस बार तो घर ही पे गिर गई, तो सबका मन खराब हो गया। मतलब वो एक अल्टीमेट डेस्टिनेशन टाइप का है कि यहाँ गिरना ही गिरना अगर बिजली कड़के की। तो फिर हमने घर चेंज किया और शिफ्टिंग में प्लस फिर बिजली गिर गई, बहुत सारी चीज़ें हौच पौच हो के चल रही थी धीरे धीरे धीरे। अब थोड़ा हम अपने नए घर में सेटल्ड हुए हैं। पहले क्या हमको थोड़ा सा दिक्कत था, घर बहुत बड़ा है, जल्दी हम आपको होम टूर देंगे, तो थोड़ा हेजिटेशन था मुझे। लेकिन जब बिजली गिरी तब उसके बाद सब बड़े बोलने लगे, नहीं 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 जाओ और यहाँ मत रहो, यहाँ रहना सेफ नहीं है। तो फिर हमने एक डिसीजन लिया कि नहीं, हमें जाना है। और वहाँ पे क्या, इतना खुला नहीं था, धूप नहीं आती थी, तो ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा थी, तो जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा एलर्जी थी हमको, इतनी ज़्यादा स्पेशली मेरे को तो बहुत ज़्यादा एलर्जी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो फिर हमने शिफ्ट किया, शिफ्टिंग की थकान, फिर जगह चेंज हुई, ये सब धीरे 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 चलता है। अब थोड़ा मामला सेट हो, पूरा नदी जैसा हाल दिखाते हैं आपको, ये देखें। देखो एकदम नदी जैसा है पूछी इतना तेज पानी आ रहा है यहाँ पे। ये देख कितनी बारिश हुई है चारों तरफ, बाकी ये तो घर में नदी बन गई है। पहली बार इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है। वहीं रहो बेबी सर, देखो कितनी जोर से, वहीं रहो वहीं रहो। हाँ हाँ हाँ, डॉगी है क्या? भैया इधर तो कोई नहीं आया है, कब है? अच्छा, वो यहाँ पे किसी ने उठा लिया यहाँ से। हाँ हाँ, वो घर वालों ने मना कर दिया। अच्छा अच्छा, तो अब वो वापस छोड़ने से पहले हम सोच रहे कि अगर किसी का आजू बाजू है तो एटलीस्ट वो सही घर पे चला जाए। यहाँ तो वैसे कोई इस लाइन में इनके अलावा कोई नहीं पालता तो, लेकिन हाँ, लेकिन इनके तो बड़े बड़े डॉगी हैं दोनों। तो लैब्राडोर है इनके तो। हाँ वही वैसे, हाँ वो ट्रेंड वाले हैं, बाकी कोई इस लाइन में डॉगी वाला नहीं है। अभी तो क्योंकि फोटो देख सकते हैं नहीं, मतलब उससे मेरे को समझ में, क्योंकि यहाँ कोई हमारी लाइन में पालता नहीं, पीछे की लाइन में अगर कोई होगा तो। हमारे घर पे है अभी, देखो तो नहीं, हमने देखा ही नहीं जी। हाँ अपना इंडी डॉग है। हाँ देसी वाला है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग ऐसे आते हैं छोड़ के चले जाते हैं। पीछे की लाइन, हाँ पीछे की लाइन, उन लोगों ने एक दो बार मतलब यहाँ से पकड़ के ले गए हैं, पाल ले हैं, लेकिन अब उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया पता नहीं। पर अभी वो है कि नहीं, उन्होंने रखा कि नहीं ये नहीं पता, पर हमने सुना था कि उन्होंने ऐसे रोटेशन को एक को रखा था। ठीक है, हम लोग उनसे बात, लेकिन मुझे भी ऐसा ही डाउट हो रहा था कि वो अन्ना नगर वो कहीं पे किसी ने पाला होगा उसको और वो छोड़ के चले गए। हाँ समझ गए, वो यहाँ पे ऐसा बहुत लोग करते हैं। पर ये काफी पहले की बात है, वो पीछे की तो मुझे पता नहीं है अब है कि नहीं। बाकी मैंने स्लम्स वालों को तो बहुत देखा, मुझे पीछे पीछे दुपट्टे लगा के घूमते हैं।
यहाँ पे स्लम्स भी है क्या आसपास में? अन्ना नगर है आगे। जैसे ये खुलता है ना, जब गार्डन खुलता है तो उनके पीछे पीछे डॉक्टर आते हैं, वो डॉक्टर यही 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 घूमते रहते हैं, वहाँ से यहाँ आएंगे फिर आएंगे, तो कई राउंड ऐसे लगता है प्यासे रहते हैं कुछ रहते हैं तो पानी पियेंगे, तो वो सब पट्टे पहने रहते हैं। पापा बहुत सारे लड़के आते हैं उनके साथ आता है, वो छोटे इतने 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 उनके साथ आते हैं, वो जिस दिन स्टॉल लगते हैं ना उस दिन आते हैं सब। बहुत भीड़ रहती है जिस दिन, उस दिन देखा है मैंने, वो फिर प्यासे वैसे रहेंगे तो फिर यहाँ घुसते हैं तो फिर पानी दो ऐसे होता है। कितना पानी भर गया यार ये तो बेबी सर। एक्चुअल में यहीं से स्लोप है ना, आगे स्लोप नहीं है तो इसी से यहीं से दे रखा है, पूरी नाली का सब कुछ बह के जा रहा कचरा। आ जाओ बेबी सर चलो। हाँ यार ये तो देखो कितना भर गया, ये देख रिकॉर्ड किया ना, देखो एकदम नदी जैसे पानी आ रहा है, एकदम जोर से जैसे नदी बहती है ना। ये देखो ये देखिए ये चारों तरफ पानी भरा है, ये ऐसा लग रहा है यहाँ नाला खुल गया है। ये देखिए भरा हुआ है चारों तरफ, लबालब ऐसा लग रहा है जैसे कि बाढ़ आ गई है। बाढ़ आई है, आइए 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 दिखाएं आपको और भी बाढ़। झरना तो गजब का है। ये देखिए नदी जो बह रही है घर की, ये देखिए हमारे गैराज के अंदर पानी भर गया तो गैराज से भी निकल रहा है पूरा पूरा पानी। ये देखिए गैराज के अंदर पूरा पानी भरा हुआ है लग रहा है, ये देखो गैराज के अंदर, इसका मतलब गैराज में भी बहुत पानी भर रहा है। हाँ जिस अभी तो बहुत आ रहा है, जाने तो पूछी गंदा पानी होता बेटा, पूछी हाँ पूछी गंदा पानी जाने इधर। लो ये हो गया हमारा प्याज टमाटर अदरक लहसुन हो गया, और इसमें सिर्फ मैंने डाला है धनिया पाउडर और हल्दी। अब ये जा रहा है चना छोले मसाला, तो आप इस तरह डालोगे ना तो मसाला जलेगा नहीं। इसमें छोले मसाला, अच्छा एक और चीज, बीज निकाल के मैं इमली डालूंगी इसमें, इमली की चटनी भी होती है तो आप इमली की चटनी भी डाल सकते हो, पर इमली की चटनी क्या मुझे बनाते नहीं आती, मैं वो सीखूंगी फिर डालूंगी, इसलिए मैं सीधे मोस्टली मैं सीधे ही इमली डालती हूँ बीज निकाल के। अब इसमें मैंने डाला है कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, ये देखो आप। और अब इसमें हम लोग थोड़ा मसाला पकने के लिए पानी चाहिए, तो जो मटर उबलता है जिसमें वही पानी हम यूज करेंगे। ये मटर पक जाएंगे इसमें, और मसाला पक जाएगा इसमें, तब फिर हम पूरा मटर डालेंगे। ये हो गया हमारा प्याज टमाटर अदरक लहसुन हो गया, और इसमें सिर्फ मैंने डाला है धनिया पाउडर और हल्दी। अब ये जा रहा है चना छोले मसाला, तो आप इस तरह डालोगे ना तो मसाला जलेगा नहीं। इसमें ये गैस छोले मसाला, अच्छा एक और चीज, बीज निकाल के मैं इमली डालूंगी इसमें, इमली की चटनी भी होती है तो आप इमली की चटनी भी डाल सकते हो, पर इमली की चटनी क्या मुझे बनाते नहीं आती, मैं वो सीखूंगी फिर डालूंगी, इसलिए मैं सीधे मोस्टली मैं सीधे ही इमली डालती हूँ बीज निकाल के। अब इसमें मैंने डाला है कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, ये देखो आप। और
अब इसमें हम लोग थोड़ा मसाला पकने के लिए पानी चाहिए, तो जो मटर उबलता है जिसमें वही पानी हम यूज करेंगे। ये अब मटर पक जाएंगे इसमें और इस मसाला पक जाएगा इसमें, तब फिर हम पूरा मटर डालेंगे। ये हो गया हमारा प्याज टमाटर अदरक लहसुन हो गया, और इसमें सिर्फ मैंने डाला है धनिया पाउडर और हल्दी। अब ये जा रहा है चना छोले मसाला, तो आप इस तरह डालोगे ना तो मसाला जलेगा नहीं इसमें। ये गैस छोले मसाला। अच्छा एक और चीज, बीज निकाल के मैं इमली डालूंगी इसमें, इमली की चटनी भी होती है तो आप इमली की चटनी भी डाल सकते हो, पर इमली की चटनी क्या मुझे बनाते नहीं आती, मैं वो सीखूंगी फिर डालूंगी, इसलिए मैं सीधे मोस्टली मैं सीधे ही इमली डालती हूँ बीज निकाल के। अब इसमें मैंने डाला है कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, ये देखो आप। और अब इसमें हम लोग थोड़ा मसाला पकने के लिए पानी चाहिए, तो जो मटर उबलता है जिसमें वही पानी हम यूज करेंगे। ये अब मटर पक जाएंगे इसमें और इस मसाला पक जाएगा इसमें, तब फिर हम पूरा मटर डालेंगे।